आज हम आपको दिखाएंगे भारत में मौजूद चार ऐसे रहस्यमय ब्रिज जिसे देखकर आप भी कहोगे क्या बात है सर। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक ऐसा ब्रिज जिसे स्टील, कंक्रीट और छड़ से नहीं बल्कि पेड़ के जड़ों से बनाया गया है। चल झूठा, क्या आपको भी विश्वास नहीं हुआ? अगर आप पेड़ के जड़ों से बने पुल यानी लिविंग रूट ब्रिज को देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा मेघालय के चेरापूंजी में। चेरापूंजी जो दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश होने वाले क्षेत्रों में शामिल है, जिस वजह से यहाँ काफी नदियाँ पाई जाती है और हर जगह सरकार के द्वारा ब्रिज बनाना संभव नहीं, जिस वजह से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों के आवाजाही में काफी दिक्कत आती है। फिर यहाँ रहने वाले खासी एवं जनतिया जनजाति के लोगों ने दिमाग लगाया और नदियों के किनारे बेनियन ट्री लगा दी। ये पेड़ जब बड़े हो जाते हैं तो इसकी बेले लटकने लगती है। इन जड़ों के सहारे बेंबू और सुपारी के लकड़ियों को बांधकर इस पुल का निर्माण किया जाता है। इस प्रोसेस में एक लिविंग रूट ब्रिज को बनने में 10 से 15 साल का समय लग जाता है, पर यह काफी मजबूत होता है। एक ऐसा रहस्यमय ब्रिज जो बनकर तैयार तो अंग्रेजों के काल में ही हो चुके थे पर उद्घाटन आज तक नहीं किया गया है, जिसे रात 12 बजे और दिन 12 बजे बंद कर दिया जाता है। इस समय पुल में कोई भी आ जा नहीं सकता। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोलकाता में मौजूद विश्व प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज के बारे में, जिसके बीचों बीच किसी प्रकार का कोई भी खम्भे का प्रयोग नहीं किया गया है और न ही तार से लटकाया गया है, फिर भी यह एक सदी से बिल्कुल महफूज है। इसीलिए तो इसे इंजीनियरों का खास नमूना माना जाता है। दरअसल यह ब्रिज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए तय किया गया कि इस ब्रिज का उद्घाटन धूमधाम से नहीं करेंगे। और रही 12 बजे बंद की, तो इस पुल को बनाते वक्त इंजीनियर ने कहा कि ब्रिज कभी गिरेगी तो 12 बजे गिरेगी, पर इंजीनियर ने यह कहना भूल गया कि 12 बजे दिन या 12 बजे रात। इसे तो कई लोग मानते भी नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अम्बन ब्रिज, भारत में मौजूद एक ऐसा पुल जहां लोग अपने जान हथेली पर रखकर सफर करते हैं, क्योंकि ये ब्रिज दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रिजों में से एक है, जिसे 1914 में अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था, जिसे आज लगभग 108 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये पुल शान से खड़ा है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आज जहां भारत सरकार इतने खर्चे करके पुल निर्माण करवाते हैं, वह तो कुछ ही सालों में टूट जाता है, पर पम्बन ब्रिज को लगभग आज 108 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी यह ठीक है। ये भारत का पहला समुद्री पुल है जो 145 खंभों पर टिका हुआ है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2.065 किलोमीटर है। साथ ही यह ब्रिज समुद्री तल से 12.5 मीटर यानी 41 फीट ऊपर स्थित है। ये पुल तमिलनाडु के रामेश्वरम और पम्बन द्वीप को आपस में जोड़ता है। क्या आप इस पुल में कभी सफर करना चाहेंगे? इजिप्ट के पिरामिड को किसने बनाया, यह जितना रहस्यमयी बात है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है भगवान श्री राम के द्वारा बनाया गया राम सेतु। क्या भगवान श्री राम के द्वारा सच में किसी राम सेतु का निर्माण किया गया था? चलिए इसे जानते हैं। पहले आप इन इमेजेस को देखिए जिन्हें नासा ने कैप्चर किया है। इस इमेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि समुद्र के बीचों बीच कोई पुल पानी के बहाव के कारण टूट गया हो। क्या यही राम सेतु है? मान्यता यह है कि भारत की रामेश्वरम से श्रीलंका के मुन्नार द्वीप तक भगवान श्री राम के द्वारा एक सेतु का निर्माण किया गया था, और जब इसके जांच के लिए समुद्र के गहराई में जाकर देखा गया तो इस सेतु को पाया गया जो अंदर से पत्थरों के चैन के रूप में दिखाई दे रहा था, जो कि अनुमानित 48 किलोमीटर लंबी है। जब वैज्ञानिकों ने इस पत्थर को सही तरह से रिसर्च किया तो पाया कि यह पत्थर 7000 साल पुराना है, और भगवान श्री राम का होना या रामायण काल भी 7000 साल पुराना है। अगर आपको भी लगता है कि सच में राम सेतु है तो यह वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।